तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाजिद ग्राफी में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली सभी बड़ी फिल्मों के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो में जाना था जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली 8 और बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों जितेंद्र और श्रीदेवी ने मिलकर टोटल 16 फिल्मों में काम किया था, जिसमें से हमने 8 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपके सामने रख दिए हैं। और जो 8 फिल्में रह गई हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इन 8 टॉप फिल्मों में जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली इन 8 टॉप फिल्मों में कितनी फिल्में बॉक्स ऑफिस में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप, कितनी एवरेज और कितनी सेमी हिट रही थी। तो दोस्तों सभी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आप भी जितेंद्र साहब को एक अच्छा और बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके ही लाइक से हमारी असल अर्निंग है। दोस्तों जानते हैं कि जोड़ी हमें नवीं बार किस फिल्म में नजर आई थी। फिल्म का नाम था सुहागन। ये मूवी साल 1986 में आई थी। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, श्रीदेवी, पद्मनी कोल्हापुरी, कादर खान इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए के बजट मनी के मिले, इसलिए बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 10.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली नवी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिल्म नजर आई थी दसवीं बार साल 1986 में। फिल्म का नाम था घर संसार और ये फिल्म रिलीज हुई थी 11 जुलाई साल 1986 को। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, श्रीदेवी इसमें अहम किरदार में थी और कादर खान भी मुख्य किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो इस फिल्म का बजट 3 से 3.5 करोड़ रुपए के बजट मनी के मिले, इसमें बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 7.25 करोड़ रुपए कमाई थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने 11.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली 10वीं बड़ी फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें फिल्म नजर आई थी साल 1986 में। फिल्म का नाम था आग और शोला। ये मूवी साल 1986 में आई थी और ये फिल्म रिलीज हुई थी 13 फरवरी साल 1986 को। इसमें जितेंद्र के साथ श्रीदेवी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 4 से 3 करोड़ रुपए का, इसमें बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 7.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली बारहवीं फिल्म थी। बाकी जोड़ी हमें फिल्म नजर आई थी साल 1986 में, जो कि फिल्म रिलीज हुई थी 11 अप्रैल को। इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, श्रीदेवी और ये फिल्म धर्म अधिकारी थी। और इसमें जितेंद्र साहब का जो किरदार था काबिले तारीफ था, वहीं पर उसमें बॉलीवुड के जाने माने एक्टर दिलीप कुमार साहब भी मुख्य किरदार में थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो बजट 2.5 से 3 करोड़ रुपए था। अगर हम बात करें बॉक्स ऑफिस इंडिया की, तो इसने
में बॉक्स ऑफिस इंडिया पर तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए के बीच में कमाई की थी। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर की, तो इस फिल्म ने पूरे वर्ल्ड से 12.5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली वार्मिक फिल्म थी। उसके बाद ये जोड़ी हमें नजर आई थी 1987 में 13वीं बार इसमें औलाद में, जिसमें जितेंद्र श्रीदेवी और इसमें मुख्य किरदार में जयप्रदा भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें औलाद मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, दोस्तों इस फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपए था। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर ओनली 13 करोड़ रुपए कमाई थी, वहीं पूरे वर्ल्ड से मूवी ने 14 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फन फिल्म थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली 13वीं बड़ी जोड़ी हमें फिर नजर आई थी 14वीं बार मजाल में। इसमें हमें फिर से एक साथ जितेंद्र श्रीदेवी और जयप्रदा भी मुख्य किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बजट में थी। ये फिल्म ने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाई थी, वहीं पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से मूवी ने 8.5 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक एवरेज करार दी गई थी। और ये जितेंद्र श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली 14वीं थी। इसके बाद ये जोड़ी हमें फिल्म नजर आई थी 1987 में, फिल्म का नाम था हिम्मत और मेहनत। ये मूवी 1987 में आई थी, इसमें जितेंद्र श्रीदेवी अहम किरदार में थी और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली 15वीं फिल्म थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसमें बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 4 करोड़ रुपए कमाई थी, वहीं इस मूवी ने पूरे वर्ल्ड और दुनिया भर से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था, सॉरी माफ करना 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी फैमिली थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। और ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली 15वीं फिल्म थी। ये जोड़ी हमें फायदे में आखिरी बार फिल्म सोने पे सुहागा में नजर आई थी, यानी कि जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली ये 16वीं फिल्म थी, जिसमें जितेंद्र साहब, श्रीदेवी, धर्मेंद्र, अनिल कपूर, किरणी पाटकर इसमें अहम किरदार में थी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में या फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म का बजट जो था वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के बजट बनी थी। फिल्म इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम तकरीबन 8 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये जितेंद्र, इसमें धर्मेंद्र और अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार इसमें अहम किरदार में थे। और दोस्तों अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड से मूवी ने 13 से 14 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के हिसाब से एक बड़ी हिट करार दी गई थी। और दोस्तों ये जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली आखिरी और 16वीं फिल्म थी, जिसके बाद हमें जितेंद्र और श्रीदेवी किसी भी बड़ी फिल्म में नजर नहीं आई थी। तो ये रही जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली अब तक की सभी बड़ी फिल्में। तो दोस्तों जितेंद्र और श्रीदेवी साहब ने मिलकर टोटल कुल
16 फिल्मों में काम किया था, जिनमें से इनकी ज्यादातर मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर रही। कुछ फिल्में हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी, कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर और फ्लॉप भी रही थी। दोस्तों, आपकी जितेंद्र शाह और श्रीदेवी की जोड़ी में बनने वाली अब तक की 16 टॉप फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज्यादा पसंद है, अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस जिले कहाँ से देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।